An Academy. Let's crack it. Welcome to An Academy. Let's crack it. उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और आज एक बहुत ही बड़ी हस्ती से आपको मिलाने जा रहा हूँ। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको हर दिन इंस्पायर करने की, एंड इंस्पिरेशन तब आती है जब आप एक ऐसे हस्ती से मिलते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक ऐसा संघर्ष किया होता है, एक ऐसा स्ट्रगल किया होता है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो टुडे वी हैव विद अस मोहिबुल्ला अंसारी सर। एक छोटी सी उनकी इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। IITian है, फिफ्थ अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है वो ये होगी कि आपको ये पता चल गया होगा जब आप फिफ्थ अटेम्प्ट में जाते हैं तो पेशेंस लेवल कितनी हाई रखी होगी। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स के अंदर या हम लोग देखते हैं कि एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट के बाद हम लोगों का वो पेशेंस लेवल हम लूज कर देते हैं। एक मोटिवेशन जो आती है, कामयाब सब हो जाते हैं लेकिन वक्त एक चीज़ कामयाब उसी इंसान को बनाती है जो धैर्य रखता है, जो बहुत ही सुलझा हुआ होता है और जो ये सोचता है कि उसकी मंजिल उसको जरूर मिलेगी। आज सर के साथ वही बात डिस्कस करूंगा क्योंकि मुझे ये लगता है कि इनकी स्टोरी में सबसे अच्छी चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि सर फिफ्थ अटेम्प्ट तक अपने आप को आपने कैसे खड़ा रखा और फाइनली अपनी ड्रीम को पूरा किया। और आज इनके माता पिता ये खुद एक ऐसी स्टोरी बन गए हैं, ऐसी इंस्पिरेशन अपने गाँव वालों के लिए और अपने एक पीढ़ी को इंस्पायर करने। क्योंकि फिफ्थ अटेम्प्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बहुत बड़ी बात है। इसमें पूरा मैं जो कोशिश करूंगा वो यही रखने की कि सर हमारे बच्चों को किस तरीके से ये पेशेंस करते हैं और जब आप क्वालिफाई नहीं करते तो उस समय क्या कैसा फील होता है। आज उसी बात, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेट फ्रॉम द An Academy साइड, फ्रॉम माई साइड एज वेल, फ्रॉम द एंटायर From India, हम लोग आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने इतनी कामयाबी हासिल की सर। I would like to thank you for inviting me, sir. Thank you so much, sir. Sir, please share your journey. कैसे शुरू हुआ ये सफर और कैसे आप 5 अटेम्प्ट तक वेट करते रहे कि ये जरूर आपको मिलेगा। सर वो क्या चीज थी जिसने आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखा सर? I started my preparation, मैंने 2015 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड 2016 में मैंने पहले अटेम्प्ट दिया एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई वेंट टू इंटरव्यू and then it was unfortunate I was not able to qualify and then agli baar mera mains nahi hua and fir agli baar fir prelims nahi hua 0.6 marks and then agli baar 2 marks se prelims nahi hua so for 4 attempts I struggled for it and in the 5th attempt I qualified for the 389 rank this time so kafi ups and downs hain but one thing I think jo aapko help karti hai success mein wo hai ki take 100% responsibility of your failures and that is what guided me towards the success. Sir, basically ab to aapne itne ups and downs apni life mein dekhe hain, jab aap 0 point se gir jate hain ya point ka farak rehta hai, us samay kya feel hota hai ki bas ab raste khatam ho gaye ya fir usko hum log kis tarike se ek motivation ke taur pe aage le sakte hain ki nahi ye point convert honge, ye 0 point meri zindagi ko badalne wale hain। और फिर से क्योंकि यूपीएससी का एक तरीका है कि अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता फिर से प्री, फिर से मेंस, फिर से वही रूटीन और फिर वही नोट्स पढ़ना जो बनाए हैं, फिर उनको देखना। कहीं ना कहीं अक्सर हम लाइन देते हैं कॉपी पे और फिर वो दिखता है कि मैंने तो पिछले साल भी यही तैयारी की थी तो मैं अगर कुछ, मैंने अब फाइनली सब कुछ कर दिया, मेरे पास नया करने के लिए कुछ नहीं है, या तो मेरा लक नहीं है या फिर मैंने जो पढ़ा है वो गलत है। तो उन नोट्स को आपने चेंज किया या आपने थिंकिंग को आपने चेंज किया या आप फिर से कंटेंट का इश्यू रहा होगा क्योंकि आप बार बार उन्हीं को 5 साल, अगर कंटिन्यूअसली 5 इयर्स तो 5 साल एक बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए क्योंकि वो भी तंग आ जाएगा जी। तो वो कैसे रहा होगा सर? मुझे लगता है कि इसको देखने के 2 तरीके हैं। अगर आपको 0.6 से रुक रहा है तो एक तरीका ये है कि देखने का कि शायद मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, 3 अटेम्प्ट जा चुके हैं और मैं अभी मिस कर रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है देखने का कि मेरा 0.6 से ही रुका है एंड आई कैन क्वालिफाई इन नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 2 नंबर से रुका, देन आई वाज वेरी मच श्योर कि मैं इंटरव्यू तक गया हूँ और मेरे को प्रीलिम्स आता है, आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इट वन, तो ये क्वालिफाई तो होगा। सो इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ कि ये होगा तो देन दैट विल हैपन वन डे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, ये करना है। सेकंड, अबाउट रीडिंग, कैसे बुक्स को पढ़नी है, मुझे लगता है कि वही किताबें पढ़नी है बट तो तरीका अलग हो सकता है पढ़ने का। Because I saw in one of your videos where you talked about कि कैसे world history को modern history से जोड़ के अपन पढ़ सकते हैं, कैसे history को analytical तरीके से पढ़ सकते हैं, तो that also helped me in one of the ways। So आपको अपना पढ़ने का तरीका थोड़ा सा change करना पड़ेगा, that will surely help you out।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दैट इज अबाउट ओनली कंटेंट व्हेन इट कम्स टू अ डिजिटल सो हाउ दिस स्टूडेंट कैन रिटेन ओनली ऑन वन कंटेंट रादर देन गोइंग फॉर वन कंटेंट टू अनदर एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट अफेयर्स व्हेन इट कम्स टू अ करंट अफेयर्स सो मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज वेदर दे गो फॉर द मंथली बेसिस ऑफ अ ईयरली ऑफ अ डेली बेसिस तो वो कैसे आपने सस्टेन करके रखा और फिर उसको फिर कम्प्लीटली आपने अप्रोच करके अपनी मंजिल को पाया है मुझे लगता है कि किसी भी एक करंट अफेयर्स को विच एवर यू लाइक यू हैव टू स्टिक टू इट एंड देन यू हैव टू फॉलो इट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन दैट करंट अफेयर्स आल्सो यू कांट ब्लेम दैट करंट अफेयर्स वाज नॉट गुड एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ड बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर क्वालिफाइंग आफ्टर दैट इन द सेम करंट अफेयर्स सो व्हाट वी नीड टू डू एज ऑलरेडी आई सेड दैट वी नीड टू चेंज आवर वे टू स्टडी बिकॉज पीपल आर डूइंग द रोट लर्निंग तो उससे नहीं होने वाला क्योंकि यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछने वाली दे आर गोइंग टू आस्क द एनालिटिकल क्वेश्चन तो हमको उस तरीके से देखना पड़ेगा किसी तरीके से घुमा लिया क्वेश्चन को करंट अफेयर्स में तो हमें इसको कैसे टैकल करना है सो और जैसा आपने एक दूसरी बात की ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है तो उसका एक बेन भी है और वो बून भी है तो देर आर मल्टीपल सोर्सेज सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू कन्फाइन आवरसेल्फ दैट अ पर्सन कैन कन्फाइन फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री फॉर टू सुहेल तुर्की सर सो आप पर वो कन्फाइन कर सकता है अपने आप को एंड ओनली वन सोर्स इज सफिशियंट इनफ देयर इज नो नीड टू टेक एनी अदर सोर्स एक चीज आप या तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं That is sufficient enough. आप ज्यादा किताबें पढ़ लेंगे कोई फायदा नहीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है आप चार किताबें पढ़ेंगे मुश्किल से एक क्वेश्चन बना पाएंगे कोई फायदा नहीं है आपका जो लिमिटेड सोर्स है उसको बहुत अच्छे से करना है एंड किसी एक टीचर पे आप रिलाई कर सकते हैं तो उससे काफी हेल्प मिलेगी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ओशियन वी कैन कन्फाइन आंसर टू अ लेक सो दैट विल हेल्प मोर That's great, sir. सर एक और चीज है कि जो स्टूडेंट्स को लगता है अब जो 2021 के लिए जा रहे हैं प्री बहुत नजदीक है सर एंड देन देयर वाज अ पेंडेमिक एंड इश्यूज लाइक दैट एक ऐसी मैसेज जो उनको इस समय आपकी तरफ से हेल्प कर पाएगी अब ज्यादा ये होता है कि जो जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है उसकी बात बहुत ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर इवन दो वी ऑल नो दैट कि रास्ता सेम है लक्ष्मीकांत कभी बदलने वाली नहीं है क्वालिटी वही रहेगी हिस्ट्री वही रहेगी इकोनॉमी जियो बट स्टिल हम स्ट्रेटजीज की अगर बात करें क्या ऐसी मैसेज होगी सर इस समय उनको क्या करना चाहिए जैसे आपने बताया कि जो बुक्स हैं वो सेम है लक्ष्मीकांत हर बंदा पढ़ रहा है पर हर बंदा क्वालिफाई नहीं कर रहा द थिंग इज कि हम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं और फिर हम भूल जाते हैं उसके लिए क्या करना है हमें लक्ष्मीकांत को बार 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 देखना पड़ेगा जो हमारे वीक पॉइंट्स है जैसे हम टेस्ट पेपर देते हैं हमें पता लगता है हमारा ये वाला सेक्शन वीक है जैसे मेरा पार्लियामेंट सेक्शन वीक है तो मैं पार्लियामेंट सेक्शन जाकर एक बार दोबारा देख लूंगा अब मैं ये देख सकता हूँ कि मैं हाई कोर्ट वाले कोर्ट्स वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता हूँ तो आई डोंट नीड टू गो थ्रू दैट वंस अगेन 10 दिन बचे हैं हमारे पास उस 10 दिन में व्हाट वी कैन डू कि जो हमने पढ़ा है बस वो करें इवन नए टेस्ट पेपर भी ना लगाएं दिस इज व्हाट आई फॉलो एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्टडी देयर आर 1768 स्ट्रेटजीज राइट नाउ जिन्होंने 760 लोगों ने निकाला है तो व्हाट आई वुड से कि मेरा स्ट्रेटजी है कि मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ता कुछ भी नया नहीं देखता बिकॉज दैट ब्रिंग्स मी इन अ पैनिक सिचुएशन तो जैसे मैंने टेस्ट पेपर जो लगाए हैं मैं बस वही टेस्ट पेपर देखूंगा नया टेस्ट पेपर नहीं करूंगा जो बुक्स पढ़े हैं वही बुक्स पढ़ूंगा नए बुक्स नहीं देखूंगा जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं वही करंट अफेयर्स देखूंगा नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव टू ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ ऐसा नहीं होने वाला कि आप एक नया किताब पढ़ेंगे से दो क्वेश्चन आ जाएगा बना लेंगे ऐसा नहीं होने वाला जो आपने बनाया है यू हैव टू पुट योर यूज ऑफ योर ब्रेन वही काम आने वाला यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड द लिमिटेड नॉलेज विच यू हैव हर बंदे के पास लिमिटेड नॉलेज है किसी के पास इनफाइनाइट नॉलेज नहीं है तो हमें ये बिलीव करना है सबसे इंपॉर्टेंट कि जितना मुझे आता है उतना सामने वाले को आता है बट वट ही इज डूइंग ही इज यूजिंग दैट नॉलेज जो बाकी क्वेश्चन जो आई थिंक 30-40 क्वेश्चन तुक्का मारना पड़ता है हमें यू कैन से इट अ स्मार्ट गेस तो फॉर दैट स्मार्ट गेस व्हाट वी नीड टू डू इज यूज आवर ब्रेन So we need to have confidence कि हम brain अपना use कर पाएंगे and you have to attempt till 90. This is the मूल मंत्र which I believe कि 90 को पर तो मारना ही है चाहे जो हो जाए चाहे मुझे नहीं है तब भी I have to attempt till 90. Because if you are scoring attempting less, there is very less probability that you will qualify. Because whatever I have seen in last few years, this is the trend right now. That's great, sir. Like those who are going to appear like in 2021, I hope कि बहुत अच्छा रहे but the situation like is bit like difficult for us. पेंडेमिक है घर में पड़ा है फिजिकली टीचर्स से भी नहीं मिले हैं सर दोज हु आर नाउ फ्रेशर्स बिल्कुल फ्रेश माइंड से और वो अब यूपीएससी करना चाहते हैं सर और एक इंस्पिरेशन आपके रोल मॉडल आपको रख लिया आगे क्या चीजें सर उनको चाहिए इस समय क्योंकि आपने भी अपनी जिंदगी में कोई रोल मॉडल तो रखे होंगे कि मुझे ऐसा बनना है और आप जिस जगह है सर वो तभी पॉसिबल हुआ होगा जब आपने डेडिकेशन पूरा अपना 100% दिया तब आप इस जिंदगी में पहुंचे और आपने यकीन रखा था कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा उन बच्चों के लिए सर जो नए हैं फ्रेश हैं माइंड बिल्कुल फ्रेश है अभी अभी ग्रेजुएशन करके निकले हुए हैं या बीटेक करके निकले हुए हैं और उनको अब अपनी
लिपासना के गेट के अंदर जाना है सर, उनके लिए क्या बोलेंगे सर आप? उनका एक ही है, मुझे लगता है कि एक ही है, मुझसे किसी ने पूछा भी था, तो मैंने किसी कि बड़े होकर किसकी तरह तुम बनोगे, तो आई व्हाट आई सेड कि आई वांट टू बी आईएएस मोहिबुल्ला अंसारी और आईपीएस मोहिबुल्ला अंसारी। सो फ्रॉम बीइंग मोहिबुल्ला अंसारी टू आईपीएस मोहिबुल्ला अंसारी, तो योर रोल मॉडल शुड बी अ टैग व्हिच यू शुड हैव इन फ्रंट ऑफ योर नेम, सो दैट शुड बी अ रोल मॉडल एंड यू शुड चेज दैट। इंस्टेड ऑफ चेजिंग अ पर्सन, यू कैन चेज योरसेल्फ एंड मेक अ कैपेबल पर्सन। सो यू शुड बी अ रोल मॉडल ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। एंड सेकंड, जो आपने कहा फ्रेशर को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि हर फ्रेशर को अभी से हर महीने, व्हाट आई बिलीव व्हाट आई डिड आई कैन टेल दैट टू यू, कि हर सब्जेक्ट को मैं एक महीने दिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैं पहली बार इंटरव्यू तक गया, उसका सिंपल स्ट्रेटजी ये था कि फॉर एवरी सब्जेक्ट आई गेव वन मंथ एंड विद इन सिक्स मंथ सिलेबस खत्म हो चुका था मेरा, बिल्कुल स्ट्रेटजिकली। और फिर बाकी थ्री फोर मंथ मैंने ऑप्शनल को दिया एंड देन वो भी खत्म हो गया था, देन दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू क्वालिफाई टिल इंटरव्यू। लक वाज नॉट इनफ, सफिशिएंट इनफ कि मैं क्वालिफाई कर पाऊँ, and then the things happened and then I qualified this time. So mujhe lagta hai ki aapka agar basic strong hai to you will surely going to qualify. It may take some time, everybody has their own time zone to qualify it, it will take time. If it's going to take time, you don't need to worry about it, just follow your strategy, jo bhi strategy hai, just focus ki mere ko knowledge chahiye kaise bhi and I will stick to it. Basic kabhi weak nahi hona, basic bahut bahut zyada strong hona chahiye. Agar main spectrum se koi question puchu aur banda ye keh de ki nahi mujhe nahi aata, so that's an issue. Like स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मीकांत आपको पता होना चाहिए, तो वो बेसिक चीज हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए आप एक एक महीने एक सब्जेक्ट को देंगे, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ, और उस हर महीने में करंट अफेयर्स भी करते रहेंगे तो बहुत इजीली बहुत प्यार से सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाता है। That's great, sir. Sir, another thing, I will go for the rapid fire like questions. For rapid fire like questions, like जहां पे हम कोशिश करेंगे कि आप उनका जवाब बहुत जल्दी जल्दी दें ताकि जी सर अच्छे समझ पाए। सर, वॉट इज द आई कैन से weightage or maybe the importance of NCERT in UPSC examination? मुझे लगता है NCERT उनको करने की जरूरत है जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, वो NCERT से जरूर शुरू करें। बट मुझे लगता है जैसे किसी के पास गाइडेंस, जैसे अगर आप से सर कोई कोचिंग ले रहा है तो उसको फिर आपने बेसिक क्लियर कर ही दी, तो उसको NCERT की इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेसिक उसके क्लियर है, अब वो स्पेक्ट्रम पढ़कर अपने बिल्ड कर सकता है। तो अगर किसी के पास कोई गाइडेंस नहीं है, ही शुड और शी शुड गो फॉर NCERT श्योरली। बट मुझे लगता है अगर आपके जैसा टीचर उनको मिल जाए तो जैसे उनको जरूरत नहीं पड़ेगी NCERT या बेसिक किसी और किताब की, वो सीधे स्पेक्ट्रम शुरू कर सकता है क्योंकि पूरी कहानी पहले से मालूम चल चुकी है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग ऑफ अ टेस्ट सीरीज? आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट, कितनी आंसर राइटिंग पे बच्चा फोकस करे? मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग थोड़ा सा पहले, प्रीलिम्स के तीन महीने पहले तक आंसर राइटिंग की जा सकती है एंड फिर प्रीलिम्स के बाद की जा सकती है, प्रीलिम्स के लास्ट तीन महीने आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा क्वेश्चन, चार क्वेश्चन मेरे एथिक्स में छूट गए थे जिसके वजह से मुझे 10 से 15 नंबर गंवाने पड़ गए, तो डेट कुड बी इशू। तो इसलिए हैंड आपका इतना स्पीड होना चाहिए कि आप जो है पेपर कंप्लीट कर ले। आंसर राइटिंग का बस एक ही मकसद होना है कि मेरे को पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है, इवन 2 मिनट अर्लियर देन दैट, क्योंकि एंड के फिर क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज होने लग जाते हैं। तो उसके लिए जैसे कुछ लोगों का हैंड पहले से स्पीड अप होता है तो उनको जरूरत नहीं है, जिनका हैंड पहले से स्लोड है तो उनको करने की जरूरत है, उनको ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। तो करना तो है ही, वो अपने हिसाब से देख ले कि बंदा कहाँ स्टैंड करता है, उस हिसाब से वो करें आंसर राइटिंग। डू वी नीड टू चेंज टाइम टेबल मंथली बेस्ड आर वी नीड टू कीप इट वन ईयर फॉर द प्रॉपर लाइक टाइम टेबल हैज अ मेजर रोल? I believe in short target, not on long target. So मेरे को short target बनाना ज़्यादा सही लगता है क्योंकि मैं उसको achieve कर लेता हूँ, even daily basic targets are also my focus. और short जैसे मैं weekly target बनाता हूँ या महीने का maximum एक target बनाता हूँ time table, क्योंकि situation के हिसाब से change करनी पड़ती है। अगर मेरा monthly की किसी का मैंने अगर जैसे कि छोटा subject उठाया है, जैसे कि environment उठाया है, तो उसमें current affairs का ज़्यादा focus है, तो फिर मैं करंट अफेयर को ज्यादा टाइम दूंगा, स्टैटिक को कम दूंगा। अगर मैं लक्ष्मीकांत, अगर मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो मैं स्टैटिक को ज्यादा टाइम दूंगा, करंट को कम टाइम दूंगा। तो उस हिसाब से मंथली आप चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। सो मेकिंग आवर नोट्स आर डिपेंडेंट अपॉन द अदर नोट्स लाइक फोटो स्टैट लाइक वो कर लिया। डू यू आई पर्सनली अपने हाथ से आई पर्सनली बिलीव कि मेरी खुद की आंसर राइटिंग, मेरे हैंड रिटन नोट मेरे को ज्यादा समझ आते हैं। There are many people who believe कि दूसरे के नोट से पढ़ते थे, but I personally can't read from anyone note because जो मैंने लिखा वो मुझे पता है मैंने क्या सोच कर लिखा है। So that's why my handwritten notes are more important to me. Even आपसे अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो I'll write my own notes, even instead of taking a PDF from an academy or from Swell sir, I will take note it down, I'll write my own notes and then I'll read it because it's my own handwriting, it's my own thought process in writing. तो मेरा thought process मुझे help करेगा ज़्यादा understand करने में, मुझे लगता है।
While reading any book, either it is history, sometime history become very complicated because it have linked with other neighboring country as well. We do have some chapter regarding a partition, and before we do have some communities there, like tribal communities, Hindu, Muslims. So what will be the approach? हमें उस समय अपने emotions को और approach को किस तरीके से रखना चाहिए? Because sometimes we indulge ourselves in a such a like discussion जो हमारे लिए valid ही नहीं है. उस समय आपकी अप्रोच क्या रहती है मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन होते हैं चाय की टपरी पे ज्यादा अच्छी लगती है. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द होल प्रोसेस. So what we need to do is we need to use objective, logical and rational analysis of the paper. So instead of going into any kind of discussions with anybody, we should only go for the discussion if it's going to give you any kind of knowledge. No debate should be included. If discussion that is going to give you some knowledge, then you should involve in it. Else you should confine yourself to the books only. And dosto se zyada iske bare mein baatein nahi karni ki, because what you will think, that's going to represent it in the going to get represented in the examination, because it is the paper 4 bhi aapko dena hai. Aap jaise logo ke sath rahenge, jaisi baatein karenge, wo paper 4 mein aapko dikhne lagega. So we should confine ourselves to the logical and objective method of studying it. Kya hame social media ko chhod dena chahiye puri tarike se separate, like kisi se baat nahi karni hai, bas yahi hai zindagi, 8 se 12 ghante tak padhna hai, kisi se baat nahi karni hai, कुछ भी नहीं करना है, लॉक करना है और जिंदगी. व्हाट्सएप डिलीट कर दें, टेलीग्राम डिलीट कर दें, किस हिसाब से आप देखते हो क्या रहेगा, बेटर क्या है? मैंने ये स्ट्रेटजी ट्राई किया था काफी सोशल आइसोलेशन का, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी, क्योंकि मैं काफी कुछ मिस कर रहा था. जब मैं थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में प्रिलिम्स नहीं हुआ तो आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, क्योंकि प्रिलिम्स में कैसे चेंजेस हो रहे हैं. इफ आई कन्फाइन माय सेल्फ टू अ सिंपल रूम तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि वर्ल्ड कैसे चेंज हो रही है. After meeting few people, we are able to understand कि चीजें कैसे बदल रही हैं, प्रिलिम्स का पैटर्न कैसे बदल रहा है. तो टेलीग्राम से जैसे बहुत कुछ चेंजेस पता लग जाता है, तो वहाँ पे नॉलेज मिल जाती है. मैंने खुद ग्रुप सारे छोड़ दिए थे. यहाँ तो आई बिलीव कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब तो बंद कर ही देना चाहिए. यू शुड श्योरली बी ऑन टेलीग्राम, बिकॉज यू नीड टू कनेक्ट टू द पीपल, यू नीड टू कनेक्ट टू द रीसेंट नॉलेज विच इज कमिंग अप. तो उसके लिए हमें टेलीग्राम पे जाना चाहिए. व्हाट्सएप वी कैन अवॉइड, बट टेलीग्राम इज राइट नाउ अ नेसेसिटी, नॉट अ लग्जरी. So what is the role of educator? Do you believe that we need a guide, someone to be there, like who is going to help you? And how you choose an educator? आप कैसे educator को choose करते हैं कि ये वो है जो मुझे इस मंजिल तक पहुंचाएगा? Because sometimes we get a confused. इसके पास पढ़ें, इसके पास पढ़ें, इससे guidelines लें, कैसे वो आप check करते हैं? मुझे लगता है educator की जरूरत इस role में होती है, क्योंकि जो काम मैं 6 महीने में करने वाला था, मेरा काम 1 महीने में हो जाएगा. जो मैं 6 NCERT पढ़ता 20-20 दिन में, जो मुझे 120 दिन लगते, वो मेरा जो एजुकेटर हो सकता है वो मेरे 20 दिन में कंप्लीट कराते. तो दैट द नीड ऑफ एन एजुकेटर. तो वहाँ पे रोल प्ले करता है हमारा एजुकेटर. और दूसरा कि जो मैं खुद बैठकर जो वर्क करूंगा, एनालिसिस करूंगा, वो मेरा, जैसे आपने सर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अपनी वीडियो देखी जिसमें आपने पूरा एनालाइज करा था कि कैसे पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया इन 1830 टू 1848, हाउ द वर्ल्ड रेवोल्यूशन में जो चल रहा था, उसे थोड़ा मोटा आपने रिलेट किया था. तो वो चीज मैं कितना भी बैठ के एनालिसिस करूं, शायद नहीं देख पाता. तो आपने मुझे एक, आई थिंक इन अ मिनट वीडियो आई वाज एबल टू सी दैट. तो दैट्स द रोल ऑफ एन एजुकेटर, इट गिव्स मी इनसाइट. सो अगर मैं आपकी कामयाबी के पीछे किसी को देखता हूं, तो सर कौन है वो लोग जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और यहां तक पहुंचाया? सर श्योरली माँ बाप तो आपके पीछे होते हैं, वो एक ताकत है आपकी. क्रेडिट, वैसे मैं ये मानता हूँ कि क्रेडिट हमेशा अपने आप को देना चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत है, आपने इतना समय दिया. बट स्टिल कुछ लोग ऐसे पर्दे के पीछे होते हैं जो लोग हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनकी जरूर हमारे पीछे एक बहुत बड़ी बड़ा बड़ा हाथ होता है. कौन है ऐसे लोग जो अनसीन हैं, जो दिखते नहीं है? सर देयर नो डाउट जैसे मेरे पेरेंट्स थे, देयर पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. 5 अटेम्प्ट किसी को सपोर्ट करना, एंड देन फिर मैं आरसीए जामिया में रहता हूँ, एंड यहाँ पे आई मीट फ्रेंड, मेट फ्रेंड लाइक सजीद महबूब, मोहसिन खान, शोएब भाई. So I met them and then Abhishek, they all supported me, and there was a friend of mine who supported me a lot, Pooja Shah, she supported me a lot. So these were the people who literally supported me, and I literally can't compensate their whatever they have helped me in. So I can't compensate that. These were the friends who have helped me. Surely my kid of success goes to them also.
सो नीड टू कीप आवरसेल्फ इन द ग्रुप, ग्रुप में रहने का फायदा भी है अगर आपको अच्छा ग्रुप मिल जाए। बिल्कुल, मैं इंटरव्यू, मेरे को पहली बार 150 नंबर आए थे, इस बार 171 है। आई लिटरली से कि जो 20 मार्क्स बढ़े हैं उसमें देयर आर पीपल लाइक आकिब भाई, आमिर भाई, दे हैव ऑलरेडी सपोर्टेड मी अ लॉट, दे टोल्ड मी बिकॉज़ आकिब इज एन आईएएस राइट नाउ एंड इवन सजीद, दे हैव आल्सो सपोर्टेड मी। सो दे हैव टोल्ड मी कि कैसे कैसे हम स्कोर क्या आंसर चेंज कर सकते हैं, कैसे हम एक डिप्लोमेटिक तरीके से या किसी बैलेंस आंसर दे सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग व्हिच आई हैव लर्न्ड इन अ ग्रुप। ग्रुप वैसा होना चाहिए जो फालतू बातें ना करें और काम की बातें करें, आपको नॉलेजेबल बातें करें, जो लोग अच्छे हों। आप गॉसिप के लिए ग्रुप बनाएंगे तो फिर काफी समय जा सकता है और फिर आउटपुट भी कुछ नहीं है, क्योंकि सिलेक्ट बस 700 लोग ही होने हैं, ये लिस्ट बनी हुई है और 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको उसे स्टैंड आउट करना है, गॉसिप में नहीं पढ़ना है। तो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल आई वुड से। थैंक यू सो मच। और खुशी की बात यह है सर कि मेरे लिए भी खुशी की बात है कि आपने मेरी वीडियोस देखी। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि चले आप कामयाब हुए और जिंदगी में बहुत आगे। क्या मैसेज आपकी रहेगी सर, क्या मैसेज है जो मतलब कन्वे करना चाहते हैं आप अपने, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग अभी इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, क्या मैसेज आपकी रहेगी उनके लिए सर? The first and foremost important thing which I would like to say is ki take 100% responsibility of your failure, jo maine pehle bhi kaha. This is what has really helped me out. If you are saying ki mera luck kharab tha, mera paper tough aa gaya, mera din kharab tha, mere ko paper mein thand lag rahi thi, kisi ne gaali de di, mujhe washroom jana pad gaya, this is not going to help. You have to take 100% responsibility of your failures. Main fail hua, apne reason se hua. Second, believe in yourself ki main kar jaunga. And third, have very good friends around yourself. Don't leave out your friends. Agar kisi ne aspirant se serial dekha hoga, to usme hai ki we should not leave our rocket when you Unacademy ka hi video tha. We should not leave our rocket when you are a satellite. So jaise maine bataya ki meri friend Pooja Shah thi, mere aur bhi friends the jinhone mujhe bahut support kara. So that was literally very much helpful for me. That was really very much helpful, and that was the reason because of which I was successful, I would say. And trust me, we also do believe that we need to give a good content, even we are trying our level best, because our teachers are working 24/7. The only way is that the student need to take a responsibility, like it's not about a school. Teacher is not going to feed you. आप जो खुद करेंगे ना, we are here to show you the way, like ये आपका रास्ता है, you can create this exam, and nobody आपके बदले पेपर लिखने टीचर नहीं जाता। मुझे कुछ नहीं करना है, टीचर ने पढ़ाना है, टीचर ही लिखेगा। और उन बच्चों को क्या बोलेंगे कि टीचर को कहाँ पे देखते हैं आप, ये टीचर है आपका, इट्स ओके, लाइक यहाँ तक आपके टीचर ने काम किया, कहाँ तक टीचर उनको चाहिए। एंड समटाइम्स टीचर 24/7। जी सर, मुझे लगता है कि अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 5 लाख बच्चे तो कोचिंग कर ही रहे हैं, बट फिर भी सिलेक्ट 700 ही क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो 700 अलग से अपनी मेहनत कर रहे हैं, सबके पास वो नॉलेज, जैसे कि सर आपसे अगर कोई पढ़ रहा है, 100 लोग पढ़ रहे हैं, 1000 लोग पढ़ रहे हैं, सबके पास सेम नॉलेज है, लेकिन उसको जो प्रोसेस कर पा रहा है, उसको जो जिस तरीके से आप उसको दिखाना चाह रहे हो वो देख पा रहा है और उस डायरेक्शन में फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। तो अपना ब्रेन तो यूज करना ही, अपना हार्डवर्क तो है ही। इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर, आई वुड से कि लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना, आई वुड से कि क्यों, बाकी समय क्या करना है आपको, क्या करना है बाकी समय, अगर टाइम है तो पढ़ लो, लाइक व्हाई नीड टू गो आउट एंड प्ले, तो अगर जरूरी काम है तभी जाओ, नहीं तो एल्स पढ़ लो। तो आई वुड से कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को ही पढ़ना है, मेरे को ही निकालना है। टीचर कैन जस्ट बी अ गाइड, ही कैन बी अ टॉर्च बियरर, ही कैन बी अ लाउट हाउस, जो आपको दिखा दे कहाँ जाना है, बट सारा वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। ही कैन डू ओनली 20% ऑफ द होल हार्ड वर्क, 80% आपको ही करना पड़ेगा। दिस इज दैट आई वुड से। So the best part is उन सब बच्चों के लिए, because sir का बहुत ज़्यादा precious time है and he has to go somewhere else, or also there is a meeting going on. अब तो ज़िंदगी meetings में गुज़रने वाली है, but we believe that sir we will work for to make our country powerful and country inshallah आप इस देश को sir serve करेंगे। उम्मीद है कि आने वाली जो students होंगे वो भी आपसे कभी connect होंगे तो आप उनकी ज़रूर मदद करेंगे, because आप भी एक समय student थे। स्टूडेंट आप रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को जानते हैं। सबसे खुशी की बात ये होती है कि जब एक उन्होंने मतलब जो 5 अटेम्प्ट के बाद क्वालिफाई करे और फिर उनके साथ एक टीचर खड़ा हो, तो मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात ये है कि इस समय मैं उनके साथ हूँ। और आई बिलीव दैट कि अल्लाह की वजह से होता है और वही होते हैं जो फाइनली आपको देने वाले, रास्ता देने वाले हुए। बट स्टिल एक एजुकेटर सिर्फ आपको रास्ता दे सकता है, और आपको इस वीडियो से जो सीख मिलेगी वो ये है कि 5 अटम के बाद भी मोहिबुल्ला सर के ऊपर आप चेहरे पे देखेंगे तो वही स्माइल थी
जो इससे पहले थी वही स्माइल थी। निराश होने की जरूरत नहीं है, मे बी आपने इस साल क्वालिफाई नहीं किया या आपका नहीं हुआ, बट स्टिल जर्नी और भी है। इस एग्जाम के अलावा भी जिंदगी बहुत कुछ है, बट हाँ सीख सकते हैं जो क्वालिफाई कर गए उनसे क्या गलतियां हुई और क्या नहीं करना है। There is a code like one must be able to draw a line of demarcation what to study and what not to study. It is not about, sir. It's only about that how you follow the right way. Samay bhale hi kam de aap, authenticity is very much important. Don't go for the irrelevant. Please find out. Pad rahe ho sahi hai. Thank you so much, sir. And we love you from the core. Thank you, sir. And Unacademy ki taraf se aapko bahut bahut, aur meri taraf se sabse zyada, because I believe that ki aap एक इंस्पिरेशन बन गए और मुझे उम्मीद है कि आपने जैसे पढ़ा आगे बहुत अच्छे से करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, और वी गिव यू लॉट ऑफ गुड विशेस। आपका एक फ्यूचर जो है वो बहुत 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 ब्राइट हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह ब्लेस, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।